थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में पोजीशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स काउंट किए थे बेटा स्फेयर के कंपेयर में, उसको मैं एक बार और आपके कुछ क्वेश्चंस कुछ रीजनिंग बाई बता रहा हूँ बेटा, उस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। फॉर सीसीपी मीन्स एफसीसी एंड एससीपी 3D SCP बेटा, एक्चुअली 3D SCP है। फॉर CCP एंड SCP पैकिंग, ओके गाइस, ये यूनिट सेल ले लेना बेटा, क्योंकि CCP में FCC यूनिट सेल होगी, SCP में हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी। यूनिट सेल भी आप यहाँ इस टर्म को भी काउंट कर सकते हैं बच्चे, यूनिट सेल नंबर ऑफ स्फेयर, स्फेयर मीन्स एटम आयन या मॉलिक्यूल, इज स्मॉल n, नंबर ऑफ स्फेयर क्या है बेटा स्मॉल n, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट इजिकल टू क्या होगा बेटा 2n, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइट क्या होती है बेटा क्यूब के बॉडी डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बेटा 4, तो 4 × 2 = 8, ओके। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट इज इक्वल टू एन, ये दोनों फार्मूले बेटा अपने दिमाग में रख लो, बहुत क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, ओके गाइस, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट, टेट्राहेड्रल वाइट कहाँ होती है बेटा बॉडी डायगोनल पे, 4 बॉडी डायगोनल, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट एन, ऑक्टाहेड्रल वाइट की पोजीशन कहाँ है बेटा बॉडी के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में है और एज के सेंटर में है, तो जो एज के सेंटर में है 12 एज के 12 सेंटर, एक सेंटर से 1/4, तो 12 से 3, और जो बॉडी के सेंटर में 1, तो टोटल 4, ओके गाइस, तो बेटा ये याद रख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा इसके पहले मेडिकल एग्जाम्स वगैरह में, JEE वगैरह में। चलिए दोनों फार्मूले काउंट कर लीजिए प्लीज, ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन बेटा काउंट द नंबर ऑफ स्फेयर टेट्राहेड्रल वाइट, स्फेयर के नंबर काउंट करना है, टेट्राहेड्रल वाइट एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट, टेट्राहेड्रल वाइट ऑक्टाहेड्रल वाइट, ऑक्टाहेड्रल वाइट, ध्यान दे बच्चे एंजॉय कर यार, टेट्राहेड्रल वाइट ऑक्टाहेड्रल वाइट इन CCP एंड HCP पैकिंग, ओके गाइस। तो चलिए बेटा पहले आप CCP में काउंट करते हैं, तो बेटा ये है आपका CCP मीन्स बेटा FCC यूनिट सेल है इसमें, CCP पैकिंग में कौन सी यूनिट सेल होती है बेटा FCC, ओके। FCC मीन्स जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है, जो स्फेयर है बेटा, वो क्यूब के कॉर्नर पर है, क्यूब के एंगल पर है, देखो ये, ठीक है, और फेस के सेंटर में भी है, तो ये बेटा बैक फेस का सेंटर हो गया, ये फ्रंट फेस का सेंटर हो गया, ये राइट फेस, ये बॉटम फेस, ये लेफ्ट फेस, ठीक है। तो बेटा ये है आपकी FCC यूनिट सेल, जो FCC या CCP पैकिंग में आपको मिलेगी। अब बेटा इसमें क्या काउंट करने बोला है बेटा ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर काउंट कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फेयर, ध्यान देना बेटे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फेयर, ध्यान दे बेटा, ये ध्यान देने का, इजिकल टू कितना बेटा कॉर्नर से कितना मिल रहा है 1/8, तो 8 कॉर्नर से 1, ये सब हो चुका है, और फेस के सेंटर से कितना मिलता है बेटा हाफ, तो 6 फेस के सेंटर से कितना मिलेगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फेयर कितना हो बेटा 4, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, ये एन की वैल्यू होगी बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फेयर, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, ओके गाइस,
इजिकल टू क्या होता है बेटा, टू इंटू स्मॉल एन, यानी क्या है बेटा नंबर ऑफ स्पेयर। तो नंबर ऑफ स्पेयर कितना बेटा, ये हुआ फेस के सेंटर से, ये हुआ कॉर्नर से, ओके गाइस। तो कितना मिला बेटा, एट। अब क्या काउंट करना बेटा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट, ऑक्टाहेड्रल वाइट, ऑक्टाहेड्रल वाइट का फार्मूला क्या है बेटा, इक्वल टू एन, क्योंकि बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइट कहाँ है बेटा, एज के सेंटर पे है, एज के, एक एज के सेंटर से वन बाई फोर, तो ट्वेल्व एज के सेंटर से थ्री, ठीक है। और यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल वाइट है कहाँ बेटा, बॉडी के सेंटर पे, सब दिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आपको ध्यान देना है। तो इक्वल टू एन, इक्वल टू एन मीन्स इक्वल टू फोर। ये किसके लिए काउंट किया बेटा हम लोगों ने, एफसीसी यूनिट सेल के लिए, जो किस में पाई जाती है बेटा, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। चलिए ओके, अब क्या काउंट करना है बच्चे, अब काउंट करने बोलता है बेटा एससीपी के लिए। तो एससीपी किस, देखो बेटा ये किस टाइप का अरेंजमेंट था, एबीसी, एबीसी टाइप का अरेंजमेंट था, याद है। अब एससीपी बेटा ध्यान दो, जल्दी फटाफट बना रहे हैं बेटा, वेट। ये है बेटा आपका समझना, यह है बेटा एससीपी पैकिंग, ध्यान देना एससीपी पैकिंग है, ध्यान देना ओके गाइस, दिस एससीपी पैकिंग। यह है बेटा एससीपी पैकिंग, ओके। एससीपी पैकिंग में बेटा दो टाइप के लेयर, मेनी टाइम, तो ये ए लेयर हुआ बेटा, ए लेयर, ए लेयर के स्पेयर हुए, ये ए लेयर जो एक ही ए लेयर हुआ, फिर ये बी लेयर, तो ये जो बेटा सेंटर का स्पेयर है, जो फेस के सेंटर पे है, ये फेस है ना भाई, हेक्सागोनल फेस, ये थ्री जो एटम्स है, ये जो थ्री स्पेयर है, थ्री जो स्पेयर्स है, वो ये वाला जो स्पेयर है बेटा इनके बीच में है, ओके गाइस। ये सब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, टच में, आपको पता है, ओके। तो ये हुआ बेटा ए लेयर, ये हुई बी लेयर, और फिर से आई बेटा ए, ए लेयर, ओके गाइस। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है बेटा, ए बी टाइप का अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग। तो हमको क्या पूछा है बेटा इसमें, अब देखिए ये है बेटा हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन के सिक्स कॉर्नर हैं, क्यूब के क्या बेटा एट कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर एट ट्यूब के लिए कॉमन होगा, एट क्यूब के लिए कॉमन होगा, क्यूब के एट कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर एट क्यूब के लिए कॉमन होगा। और ये जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना है बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बना है, इसमें कितने कॉर्नर है बेटा, सिक्स, इसका मतलब एक कॉर्नर सिक्स हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा एससीपी पैकिंग में, ओके गाइस। तो बेटा ये सब करवा चुका हूं मैं, इसके पहले के लेक्चर आप देख सकते हैं। तो एक जो हेक्सागोन के कॉर्नर पर जो स्फीयर है या एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, इसका कितना मिलेगा बेटा, वन बाई सिक्स, हर एंगल से कितना मिलेगा बेटा, वन बाई सिक्स, जबकि क्यूब में हर एंगल से या कॉर्नर से कितना मिलता है बेटा, वन बाई एट, ओके गाइस। इसके पहले बता चुका हूं मैं आपको, ध्यान देना, वन बाई सिक्स, सॉरी ध्यान दे बेटा। अब बेटा जो फेस, फेस चाहे कोई भी क्यूबिक, कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे क्यूबिक हो चाहे हेक्सागोनल हो, फेस अदर एक फेस के टच में होती है, तो बेटा यहां से कितना मिलेगा, फेस के सेंटर से वन बाई टू। और जो थ्री है बेटा, ये थ्री, ये हेक्सागोनल बॉडी के अंदर है, किसी और के साथ उनकी शेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये पूरा एक इसी के लिए काउंट होगा, ये वाला भी पूरा एक इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, ये वाला भी पूरा एक इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर, ठीक है, इस यूनिट सेल के बारे में करवा चुका हूं मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे दे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर कितना बेटा, फ्रॉम एंगल वन बाई सिक्स, और कितने एंगल है, ट्वेल्व, अरे ट्वेल्व है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या ट्वेल्व कॉर्नर है, ये ट्वेल्व कॉर्नर, और फ्रॉम वन कॉर्नर वन बाई सिक्स, इस एटम का वन बाई सिक्स, हर एक कॉर्नर पर जो उनका वन बाई सिक्स, प्लस फेस के सेंटर से वन बाई टू, कितने फेस है बेटा, ये टू फेस है, इसके ऊपर भी यूनिट सेल्स है एससीपी पैकिंग में, ठीक है, प्लस ये थ्री, तो टोटल कितने मिले बेटा, ये हो गया टू प्लस ये वन और ये थ्री, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर कितना हुआ बेटा, सिक्स, ये सिक्स हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर, किसके लिए, एससीपी यूनिट सेल के लिए, एससीपी पैकिंग में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन स्फीयर टू वन
हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना बेटा? 6। ओके गाइस, ये 3 कहाँ के हैं बेटा? सेंटर के, ये वाले ये पूरे इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होंगे। इस टाइप की यूनिट सेल कहाँ मिलने वाली है? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ओके गाइस, आप क्या काउंट करना बेटा? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, का फार्मूला क्या बेटा? 2 × n। तो ये बेटा किसकी वैल्यू हो गई बेटा? n की वैल्यू है। नंबर ऑफ ऑप्टेन स्पेयर तो कितना हो गया बेटा? 12। ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। तो बेटा हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट 12। ओके गाइस, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट, ये कितना बेटा? 6। ठीक है, इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू क्या है बेटा? 6। देखो, मैंने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइट के जो नंबर्स और पोजीशन है इसमें एक्सप्लेन किया हूं, वैसे सेम यहां होता है बेटा। ओके गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो सब काउंट कर लीजिए बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बहुत ही, और इनसे रिलेटेड आपके रीजनिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, हो गया, चले आगे, काउंट कर लीजिए और पढ़िए, मानस पढ़ना है घर में। ठीक है, और याद रखिए, मैं नेक्स्ट संडे को, मुझे काफ़ी कंप्लीट चाहिए, आपकी काफ़ी कंप्लीट चाहिए, मुझे संडे को लाके 1x1 दिखाएंगे। मैं संडे को स्कूल में बैठा रहूँगा, और जिसकी काफ़ी मुझे कंप्लीट नहीं मिली, मैं उसको पनिश करने वाला हूँ। चलिए, हो गया बेटा, आगे चलते हैं। बेटा बात करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ बेटा, NCERT बोर्ड या MP बोर्ड 12th का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इस चैप्टर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको, पूरे MCQs आ रहे हैं, MCQ वाला चैप्टर है बेटा। ठीक है, लेकिन थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो कोई भी MCQ आपका बन जाएगा। ठीक है, आप बनाइए, लगाइए, आप ध्यान दीजिएगा, अभी चैप्टर बाकी है बेटा, अभी थोड़ा वेट करना, फिर लगाना एक साथ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ, ठीक है, What is the radius ratio in crystalline solid? By the way, हम कौन सा crystalline solid पढ़ रहे हैं बेटा? Cubic crystalline solid। In crystalline solid, तुम्हारा radius ratio क्या है? ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आपके पास टेट्राहेड्रल वाइट है, दिस इज टेट्राहेड्रल वाइट। ओके गाइस, टेट्राहेड्रल वाइट का सेंटर है बेटा, ये टेट्राहेड्रल वाइट, ये किसकी पोजीशन है बेटा? स्फेयर की, बता चुका हूँ इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फेयर एंड रेडियस ऑफ वाइट, ये वाइट का रेडियस है बेटा, और यहाँ जो स्फेयर है, यहाँ एक स्फेयर को बड़ा कर रहा हूँ मैं, सब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में टच में है, ये किसका रेडियस है बेटा? स्फेयर का। और ये किसका रेडियस है बेटा? जो टेट्राहेड्रल वाइड बन रही है, जो 4 एटम से सराउंडेड है, उसका रेडियस है। ओके, तो वैसे बेटा आपकी ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, ये बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, ये स्फेयर की पोजिशन, ऑक्टाहेड्रल वाइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर, ये है बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, दिस ऑक्टाहेड्रल वाइट। ओके गाइस, ये है बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो ये वाइट का सेंटर हुआ बेटा, जो वैकेंट स्पेस का सेंटर, ये आगे बेटा इसकी रेडियस, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट की रेडियस हो गई, ये भी टच में है, यहाँ है। ओके गाइस, और ये किसकी रेडियस हो गई बेटा? स्फेयर की। तो बेटा इन आंसर लिखिए इन क्रिस्टलाइन सॉलिड The radius ratio of void to sphere, the radius ratio of void and sphere भी लिख सकते हैं, to sphere is called radius ratio। इसका रेडियस रेशियो,
ओके गाइस, ये बेटा रेडियस रेशियो की डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, द रेडियस रेशियो ऑफ वाइड, रेडियस रेशियो ऑफ वाइड टू स्फेयर या वाइड इन स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो फार्मूला क्या आएगा बेटा रेडियस रेशियो का? यस, तो रेडियस रेशियो ध्यान दे बच्चे, बोर हो रहा है सो रहा है क्या भाई? रेडियस रेशियो इजिकल टू रेडियस ऑफ वाइड, आर मीन्स रेडियस ऑफ वाइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये बेटा रेडियस रेशियो का फार्मूला याद रखना इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके गाइस, क्यों बेटा जितनी पैकिंग है उनमें वाइड मिल रही है बेटा, वैकेंट स्पेस मिल रहा है, ठीक है, पैकिंग पड़े हम लोगों ने, तो वाइड का रेडियस और जो स्फेयर्स को सराउंड किए उनका कोई एक स्फेयर का रेडियस, तो वाइड का रेडियस और स्फेयर के रेडियस का रेशियो दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ओके गाइस, अब बेटा ध्यान दे, इधर ध्यान दे बेटा, इन केस ऑफ, ध्यान देना, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं बेटा। आयनिक सॉलिड के कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन होते हैं? केटायन और एनायन, समझ रहे मेरी बात। इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड रेडियस रेशियो काउंट एज द फॉलोइंग। तो बेटा ये वाला जो रेडियस रेशियो का फार्मूला है किसी भी सॉलिड के लिए, आयनिक हो, मेटलिक हो, कोवेलेंट सॉलिड हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड रेडियस रेशियो काउंट एज द फॉलोइंग। देखिए बेटा, केमिस्ट्री के जो IUPAC रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वाइड में हम लोग आयनिक सॉलिड में क्या बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान दे, वाइड में हम लोग बेटा केटायन को रखते हैं। वाइड में किसको पोजीशन देते हैं बेटा? केटायन को, क्योंकि आयनिक सॉलिड के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं केटायन एंड एनायन, और रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रूप में किसके काउंट करते हैं बेटा हम लोग? एनायन को। वाइड में किसको पोजीशन देते हैं? केटायन को। और स्फीयर के फॉर्म में किसे काउंट करते हैं, किसे पोजीशन देते हैं? एनायन को। तो बेटा रेडियस रेशियो अगर काइंड किसके लिए काउंट करना है आपको? रेडियस रेशियो अगर आपको आयनिक सॉलिड के लिए काउंट करना है तो बेटा वाइड में किसको पोजीशन देना है? केटायन को। और स्फीयर के रूप में किसको रखना है? एनायन को। तो रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो बेटा ये भी एक फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला केवल किसके लिए बेटा? आयनिक सॉलिड के लिए। और याद रखना हमको आयनिक सॉलिड का स्टडी करना है। सॉलिड तो हमने 4 टाइप के पढ़े बेटा चैप्टर के स्टार्ट में, कोवेलेंट सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन आयनिक सॉलिड का स्टडी है, वो भी क्यूबिक आयनिक सॉलिड का स्टडी आगे करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको ऐसे लिखते बेटा R+/R-, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके गाइस, तो बेटा ये है रेडियस रेशियो के, और किसकी रेडियस? स्फीयर की। स्फीयर मीन्स एटम आयन या मॉलिक्यूल की रेडियस। और वाइट जब भी बेटा स्फीयर क्लोज पैकिंग करते हैं, चाहे AA अरेंजमेंट में करे, चाहे AB लेयर अरेंजमेंट में करे, या ABC लेयर अरेंजमेंट करे, तो बेटा दो लेयर के स्फीयर्स, कोई भी दो लेयर के स्फीयर वाइड आती है बेटा, वैकेंट स्पेस आता है, तो उस वो जो वैकेंट स्पेस है वाइड है वो तीन टाइप की हो सकती है बेटा। किसमें? तीन टाइप की, 3D पैकिंग में, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके गाइस, और 2D में स्क्वायर वाइड है, ट्रेंगुलर वाइड है, तो 2D से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। ओके गाइस, काउंट कर ले बेटा, चल छाप ले पूरा, चलो छाप लो, हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, आगे अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, ध्यान देना, ठीक। तो सर्वाइव कर रहा हूं बेटा मैं, आप यही क्वेश्चन चल रहा है बेटा मेरा, इतना छाप लिया आपने, आगे देखो। द रेडियस रेशियो ध्यान देना बेटा, द रेडियस रेशियो डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड्स, व्हेन
कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर सीएन लिख रहा हूं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, रेडियस रेशियो इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। चलो ये लाइन लिख दो और इस लाइन को मैं प्रूव कर रहा हूं। देखिए बेटा, रेडियस रेशियो का फार्मूला क्या बेटा, आर वाइड अपॉन आर स्फेयर या आर प्लस अपॉन आर माइनस, क्योंकि वाइड में किसको पोजिशन, आयनिक सॉलिड में वाइड में किसको पोजिशन देते बेटा, केटायन को, और स्फेयर के रूप में किसको कहा बोला जाता है, एनायन को। ओके गाइस, तो आर वाइड अपॉन आर स्फेयर, ये रेडियस रेशियो का फार्मूला है, ध्यान देना बेटा। अब वाइड जितनी बड़ी होगी, वाइड देखो फार्मूला देखो बेटा, ये रेडियस रेशियो का फार्मूला है, रेडियस रेशियो, वाइड जितनी बड़ी होगी, रेडियस रेशियो न्यूमरेटर में कौन है बेटा, वाइड है, डिनोमिनेटर में कौन है, स्फेयर है, तो वाइड जितनी बड़ी होगी, वाइड बड़ी होगी तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। ओके गाइस, ठीक है, तो रेडियस रेशियो बेटा, ये रेडियस रेशियो की बात कर रहा मैं, ध्यान देना। अब देखिए बेटा, ध्यान देना, वाइड बड़ी होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजल्टेंट रेडियस रेशियो ज्यादा आएगा। तो बेटा टाइप ऑफ वाइड, यहां ले रहा हूं मैं टाइप ऑफ वाइड, दिख रहा हूं ना मैं टाइप ऑफ वाइड, ठीक, टाइप ऑफ वाइड हो गया बेटा। दिस कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा ये जो लाइन लिखा हूं, द रेडियस रेशियो डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड, और वाइड का साइज बढ़ेगा बेटा। अब देखे एक मिनट, ये वाइड है बेटा, और ये एक वाइड है। आप इस वाइड को मान लो फोर स्फीयर सराउंड किए हैं, तो क्या इस वाइड को भी फोर स्फीयर सराउंड करेंगे? नहीं, इस वाइड को ज्यादा, क्योंकि साइज बड़ा है तो ज्यादा स्फीयर सराउंड करेंगे। तो देखिए बेटा, ये वाइड है, ये वाइड का सेंटर है, ये वाइड का सेंटर है, ये उसकी रेडियस हुई, ये उसकी रेडियस हुई, और ये क्या बेटा स्फीयर, ये स्फीयर की रेडियस हुई, ये स्फीयर की रेडियस हुई, ये स्फीयर की रेडियस हुई। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, जब वाइड का साइज बढ़ेगा, वाइड का साइज बढ़ेगा तो सराउंडिंग स्फीयर्स भी बढ़ेंगे। यहाँ सराउंडिंग स्फीयर कितने बेटा, यहाँ वाइड छोटी है, इस साइज की वाइड है, सराउंडिंग स्फीयर कितने बेटा, फोर। यहाँ वाइड का साइज बड़ा है तो सराउंडिंग स्फीयर कितने बेटा, ज्यादा है। तो सीधे सीधे प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है, देखो ध्यान दे, टाइप ऑफ वाइड, तो बेटा टाइप ऑफ वाइड एक ट्रेंगुलर वाइड है बेटा, ये ट्रेंगुलर वाइड 2D में मिलती है, हमारे लिए काम की नहीं, लेकिन अपन इसके लिए ट्रेंगुलर वाइड ऐसी होती है बेटा, देखो दिस, ये देखो बेटा, ये जो मिला, ये जो ये ट्रेंगुलर वाइड है, ये वाला ट्रेंगुलर वाइड है। ओके गाइस, तो ट्रेंगुलर वाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा इसका, 3, और इसका रेडियस रेशियो जो मैथमेटिकली चेक किया गया है, हमको उसको प्रूव नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, बस याद रखना है, डाटा याद रखना है, वैल्यूज याद रखना है। तो बेटा इसका जो रेडियस रेशियो होता है बेटा, मिनिमम रेडियस रेशियो जो होता है 0.155, मिनिमम की बात कर रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम क्या होता है भी बताऊंगा। तो बेटा ट्रेंगुलर वाइड ये 2D में मिलती है बेटा, 2D वाली वाइड है। ओके गाइस, अब बेटा बात करूंगा मैं टेट्राहेड्रल वाइड, ये 3D में मिलने वाली है पूरी, टेट्राहेड्रल वाइड बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, ये सब वैल्यूज याद रखना है आपको। टेट्राहेड्रल वाइड बेटा 4 से सराउंड होते हैं, तो 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 4, और इसकी जो मिनिमम रेडियस रेशियो होता है बेटा 0.225 होता है, मिनिमम रेडियस रेशियो, मैक्सिमम क्या होता है, वेट करो। तो नेक्स्ट है बेटा, ये फर्स्ट हुई, ये सेकेंड टेट्राहेड्रल, थर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड ध्यान देना बेटा, ये समरी भी है इसके पहले जो पढ़ चुके हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में। ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 6, इसका जो मिनिमम रेडियस रेशियो होता है बेटा आर वाइड अपन आर स्फेयर, ये को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें प्रूफ नहीं पूछ रहा इसका, ये होता है बेटा 0.414। ओके गाइस, याद रखना, मीन्स बेटा टेट्राहेड्रल वाइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, रेडियस रेशियो 0.225, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 0.414, ठीक है गाइस। अब बेटा जो सबसे लार्जेस्ट बड़ी वाइड है बेटा, वो है क्यूबिक वाइड, ध्यान दे दीजिएगा, क्यूबिक वाइड, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे, 8 है, ठीक है, ये सब रिवाइज हो रहा है, करवा चुका हूं भाई। और इसका जो मिनिमम रेडियस रेशियो बेटा 0.732 है। ओके गाइस, अब देख लीजिएगा,
आपने जो लाइन है द रेडियस रेशियो डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाइट, अब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है बेटा तो रेडियस रेशियो भी बढ़ रहा है। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज, ठीक है, रेडियस रेशियो इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। ओके गाइस, अब बेटा ये जो रेडियस रेशियो मैंने लिखा हूं, देखो ये जितने जितने टॉपिक जितने लेक्चर्स मैंने अभी तक लिया उनके क्या व्यूज है बेटा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी ऑफ सम आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, वहां सब के सब काम आने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है, चलिए अब बेटा बात करेंगे। तो ये मिनिमम वैल्यू लिखा बेटा मैंने, तो मैक्सिमम क्या होगी? तो बेटा अगर ट्रेंगुलर वाइड जो 2D में होती है उसका मिनिमम रेडियस रेशियो क्या बेटा? 0.155। ओके गाइस, धीरे धीरे देखो रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम होगा बेटा 0.225। जो टेट्राहेड्रल का मिनिमम होगा उसका मैक्सिमम हो जाता है रेडियस रेशियो। अब बेटा याद रखना टेट्राहेड्रल वाइड का जो मिनिमम रेडियस रेशियो है आर वाइड और आर स्फेयर का रेशियो 0.225, तो मैक्सिमम क्या होगा बेटा? 0.414। तो इसका मिनिमम उसका मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। और इसका होगा बेटा जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसका रेडियस रेशियो 0.414 to 0.732। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा हम लोग यहां से कैसे लॉजिक लगाते हैं वो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्यूबिक वाइड बेटा, तो हम लोग धीरे धीरे 1 के करीब पहुंच रहे, 0.732 हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसका रेडियस रेशियो बेटा मिनिमम 0.732 मैक्सिमम 1। ओके गाइस, चलिए छाप लीजिए ये चार्ट, ये कॉलम को छाप लीजिए बेटा, ठीक है, समरी भी है। ये है बेटा आपका रेडियस रेशियो। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है बेटा व्हाट इज द रेडियस रेशियो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये पूरी उसकी थ्योरी, ठीक है। यहाँ ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन आपके MCQs आते हैं और इसके लॉजिकल क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको अभी कैसे आते हैं, ठीक है। ओके, छाप लिए? तो बेटा एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, मक्कारी मत करो बेटा, ईमानदारी से करो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको देना है और एग्जाम भी आप ही को देना है, मुझे नहीं देना है। अब पढ़िए, आपको एक ही काम सौंपा गया है पढ़ाई का, ठीक है, दूसरे काम नहीं सौंपा गया आपको आपके गार्जियंस के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा। और जो एक काम सौंपा गया उसको भी अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो लाइफ के किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं लेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट लीजिए, इंटरेस्ट आता है टच में रहो, जितना टच में रहोगे उतना इंटरेस्ट आएगा। ओके बेटा, चलिए एक रीजनिंग क्वेश्चन करा लेते हैं। एक रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलो फार एनी आयनिक सॉलिड क्वेश्चन है बेटा, ये सब MCQs है। फार एनी आयनिक सॉलिड रेडियस रेशियो, फॉर एनी आयनिक सॉलिड बेटा रेडियस रेशियो फाउंड 0.315। रेडियस रेशियो कितना मिल रहा है बेटा? फॉर एनी आयनिक सॉलिड रेडियस रेशियो फाउंड 0.315। द टाइप ऑफ वाइट इन सॉलिड The type of void in solid is, अब देख लीजिए बेटा ये चार्ट कहाँ काम आते हैं, ऐसे है कि रीजनिंग लॉजिक क्वेश्चन आ गया। अब बोला है कि बेटा फार एनी आयनिक सॉलिड रेडियस रेशियो फाउंड 0.315। अब 0.315 किस किस के बिटवीन आ रहा है बेटा, देखो 0.225 to 0.414 के बिटवीन वैल्यू आ रही है ये जो 0.315। ओके गाइस, इसका मतलब बेटा जो आयनिक सॉलिड है उसमें जो void होगी, टाइप ऑफ void इन आयनिक सॉलिड, या ऐसा पूछ सकता है बेटा उस इस आयनिक सॉलिड में केटायन किस वाइड में होगा, तो सीधे सीधे 0.315 जो है ये टेट्राहेड्रल वाइड की रेंज है। तो बेटा जो केटायन आंसर आ गया इसका, क्योंकि वाइड में किसको पोजीशन देते बेटा हमेशा आप, केटायन को, IUPAC टर्मोलॉजी है। तो आंसर क्या है बेटा, केटायन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइड। ओके गाइस, ये देखो इस चार्ट से आंसर आ गया, तो इसलिए चार्ट आपको याद रखना है, केटायन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइड प्रेजेंट। ओके गाइस, ठीक है। और ऐसा पूछ सकता है बेटा इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सॉलिड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बेटा,
फोर, ओके फोर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए चार्ट आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड नॉलेज है बेटा इसका, देखते हैं आप। ठीक है, चलो हो गया। चलिए एक और वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सोच रहा हूं, फॉर विच आयनिक मॉलिक्यूल, फॉर विच आयनिक मॉलिक्यूल रेडियस रेशियो इज मैक्सिमम। आयनिक मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, केटायन और एनायन। ठीक है, वही आयनिक मॉलिक्यूल जब ऑर्गेनाइज होंगे तो आयनिक सॉलिड बनाएंगे। तो आयनिक मॉलिक्यूल बोले या आयनिक सॉलिड बोले एक ही बात है, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल के सॉलिड ही क्या होते हैं बेटा, आयनिक सॉलिड होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा सीजियम क्लोराइड, ओके गाइस। सेकेंड ऑप्शन है बेटा सीजियम क्लोराइड हो गया, सेकेंड ऑप्शन लिथियम फ्लोराइड, थर्ड ऑप्शन सीजियम फ्लोराइड, ओके फोर्थ ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। तो बेटा रेडियस रेशियो का फार्मूला क्या है बेटा, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर प्लस अपान आर माइनस। ये बेटा रेडियस रेशियो का फार्मूला, रेडियस ऑफ केटायन जो वाइड में होता है एंड रेडियस ऑफ एनायन, आर वाइड अपान आर स्फेयर। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा अब आपको पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा बेटा। कहाँ जाने का रे बाबा, पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वहीं से साइज का पता चलेगा आपको। पीरियोडिक टेबल में बेटा आपको 11 में मरमर के पड़े हो कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। तो याद रखना बेटा, आर प्लस जितना मैक्सिमम होगा और आर माइनस जितना मिनिमम होगा, रेडियस रेशियो उतना ज़्यादा आएगा। तो देख लीजिएगा ये बेटा पूरे कहाँ के एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट एक एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, और बेटा हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्मॉलेस्ट हेलोजन कौन है बेटा, फ्लोरीन। तो इस ये सब क्या बनाएंगे बेटा, एनायंस, क्योंकि नॉन मेटल एनायन बनाती है। ये मेटल्स क्या बनाएंगे बेटा, केटायन। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। अब आप देखना, बड़ा सा बड़ा केटायन चाहिए और छोटा से छोटा एनायन चाहिए, तब रेडियस रेशियो ज़्यादा आएगा। ये आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक मॉलिक्यूल के सॉलिड इज आयनिक सॉलिड। ओके गाइस, अब ध्यान दे बेटा। तो इसमें लार्ज केटायन, देखो बेटा टॉप टू बॉटम चलने पे साइज यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। तो इसमें लार्ज केटायन कौन है बेटा, सीजियम, और स्मॉल एनायन कौन है, फ्लोराइड एनायन। तो मैक्सिमम जो रेडियस रेशियो आएगा वो किसके लिए आएगा, सीजियम फ्लोराइड के लिए आएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा केटायन सीजियम है और सबसे छोटा एनायन फ्लोराइड एनायन है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। अब सीजियम क्लोराइड भी है लेकिन क्लोरीन का थोड़ा साइज बढ़ गया है, इसलिए रेडियस रेशियो इस फार्मूले से कम आ जाएगा। ओके गाइस, अब बेटा लिथियम फ्लोराइड, लिथियम अपने ग्रुप में छोटा है, फ्लोरीन भी अपने ग्रुप में छोटा है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस रेशियो मिनिमम आएगा, यहाँ मिनिमम रेडियस रेशियो के लिए मिनिमम आ गया बेटा, मिनिमम। अब बोलते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ भी लगभग मिनिमम रेडियस रेशियो ही आएगा। ओके गाइस, ध्यान दीजिए। तो इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, ठीक है बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे इसके आंसर भेजना है आपको, ओके व्हाट्सएप पे इसके आंसर भेजना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा इनको, व्हाट्सएप पे इनके आंसर भेजना है आपको, व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, चलिए बेटा क्वेश्चन जल्दी फटाफट। क्वेश्चन लिखना बेटा, एटम ए, ए एटम है बेटा, एटम ए इज सो इन एफसीसी अरेंजमेंट, एटम ए इज सो एफसीसी अरेंजमेंट। एटम ए क्या शो कर रहा है बेटा, एफसीसी अरेंजमेंट। एफसीसी का मतलब
एंगल के साथ साथ फेस के सेंटर पे है, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे है, एंड एटम बी, जो बी एटम है बेटा, मतलब ए बी से बना कोई क्रिस्टल, ए बी एटम से बना कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो, एंड एटम बी फाउंड इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड एटम बी फाउंड इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड फाइंड आउट द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। तो देखना है बेटा आपको कि उस एफसीसी यूनिट सेल को कितना ए मिल रहा है और कितना बी मिल रहा है। सबके रीजनिंग लॉजिक पढ़ा दिया हूं मैंने, पूरी थ्योरी, आंसर मुझे चाहिए, व्हाट्सएप पे इसके आंसर भेजेंगे। ओके गाइस, चलिए ठीक, और क्वेश्चंस करें बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं आप। नंबर एक्स एटम, क्वेश्चन सेकेंड, एक्स एटम फाउंड इन एफसीसी अरेंजमेंट। बेटा जो एक्स एटम है वो एफसीसी अरेंजमेंट में है, एंड Y atom found in all tetrahedral wide and Z atom present in 25% octahedral wide। एक मिनट बेटा, x atom found in FCC arrangement, y atom found in all octahedral wide ठीक है, एंड z atom प्रेजेंट इन 25% tetrahedral wide what is the formula of सॉलिड। तो बेटा एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल में कितना टेट्राहेड्रल कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड होता बता दिया हूं। जो वाई एटम है बेटा वो सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड में है, और जो जेड एटम है वो केवल 25% टेट्राहेड्रल वाइड्स में है। तो आपको उस एफसीसी यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एक्स एटम, वाई एटम और जेड एटम काउंट करना है, और जो काउंटिंग करोगे वो मुझे बता दीजिएगा आप कि एक्स कितना आएगा, वाई कितना आएगा, जेड कितना आएगा। ओके गाइस, तो व्हाट्सएप पे इसका आंसर चाहिए मुझे दोनों क्वेश्चनों के। ठीक है बेटा।